अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मौला किचन। आज की रेसिपी हमारी ये हलीम बना रही हूँ मैं, हलीम। और ये आज है 19वां रोज़ा और मैं कैसा बना रही हूँ देखिए। मैं ज़्यादा बना रही है बड़ी डिश, हमारे पास तो छोटी फैमिली है, हमारा 4 मेम्बर ही है। ये आजू बाजू पड़ोसियों में तकसीम करना है मेरे को, इसलिए मैं ज़्यादा बना रही हूँ, आप लोगों को दिखा दूँ। चलो आइए, मैं क्या क्या ली इसके लिए, हरीश के लिए क्या क्या ली। 1.5 किलो मटन है, ये मटन है, थोड़ा रवा जला के मंगाई भाई, ये रवा रहा तो मज़े की होती हली, थोड़ा रवा जला। 1.5 किलो है गोश्त ये, और ये 700 ग्राम रवा है ये। दलिया से बनाना आसान है, गेहूँ से बनाए तो बहुत मुश्किल होती, बहुत टाइम लगता, ये दलिया से बना रही मैं। ये काजू है 100 ग्राम, और ये 250 ग्राम दाल, माश की दाल है, रुंदू दाल है, देखिए रुंदू दाल है। 1 घंटा पहले मैं भिगा के रखी थी मैं इसको। और ये चावल है, ये बासमती चावल है, खुशबूदार है चावल ये। ये चने की दाल हमारा पोतरा मिला दिया है इसमें लेके, अभी चने की दाल थोड़े और डाल दिए, बासमती चावल है खुशबू के। ये 150 ग्राम है चावल, 250 ग्राम रुंदू दाल है, ये चने की दाल है 250 ग्राम है। मैं 1 घंटा पहले इसको भिगा के रखी थी चने की दाल को, धो के अच्छे से वॉश करके। अब मैं डालती हूँ इसको कुकर में, मैं दिखाती हूँ आपको। और ये हरा धनिया है 3 मुट्ठी है ये, और ये पुदीना है 3 मुट्ठी। थोड़ा डालते थोड़ा रख लेती हूँ मैं, फिर बाद में ऊपर गार्निश के लिए रख ले रही हूँ। और ये गरम मसाला है देखिए, शाहजीरा है 1 चम्मच, दालचीनी के टुकड़े है 4-5, और ये इलायची है 10-15, ये कबाब चीनी है थोड़ी सी 1 चम्मच है, ये 8-10 लौंग है, ये करन फूल है 3, ये काली मिर्ची है 1 चम्मच। देखिए ये प्याज को तली मैं गार्निश के लिए ऊपर, ये थोड़ी हरी मिर्ची है 1-2 मुट्ठी। अब मैं क्या क्या कर रही हूँ मैं आपको दिखा दूँ, चलो आइए। अदरक लहसुन का पेस्ट है देखिए, मैं छोटा सा कुकर ले ली ये, और ये गुंडू दाल है धो के रखी देना है, मैं डाल दे रही हूँ इसमें। इसमें अलग से सीटियाँ देना है, माशकी दाल या ऐसा अलग इससे भी ले सकते, गुंडू दाल भी ले सकते, मेरे पास थी वो। ये चने की दाल है धो के रखी, ये भी डाल दे रही हूँ, ये डाल दी। अब ये माश, ये बासमती चावल है, ये भी धो के रखी थी, मैं डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा पानी निकाल देती हूँ, फुल हो गया। इसको 4 से 5 सीटी देना, ये अच्छे से गल जाती। चलिए ये हो गया, अब इसको सीटी लगा दे रही हूँ। अभी डाल के काम ख़त्म हो गए, अब इसको चढ़ाना है गैस पे। देखिए ये 5 सीटी देना है, ये अच्छे से गल जाती है। 5 सीटी के लिए मैं लगा दी कुकर, ठीक है दिखाती हूँ, ये हटा दी। चलिए मैं बड़ा कुकर ले रही, अब इसमें मटन डाल रही हूँ। रवा थोड़ा सा दला के मंगाई, मजे की होती है हरी सी। चलिए मटन डाल दी मैं इसमें, इसमें सारे चीजें डालने का दिखाती हूँ आप लोगों को। ये हरी मिर्चें डाल दी इसके बाद में, धो के रखी थी मैं इसको। अदरक लहसुन डाल दे रही हूँ फुल 1 चम्मच, और थोड़ा चलिए हो गया, ये डालेंगे दालचीनी टुकड़े, ये इलायची, काली मिर्ची, लौंग, सब चीज़ें डाल दूँ। इसको क्या करना है, थोड़ा सा तेल में रोस्ट करके डालना है इसको गार्निश के लिए, काजू भी प्याज, ये पुदीना, 1 मुट्ठी डाली गार्निश के लिए, थोड़ा रख ले दूँ। ये हरा धनिया 1 मुट्ठी डाल दे रही हूँ, चलिए डाल दी। और इसको ढक्कन लगा देना है, इसमें तेल डालना है, देखिए तेल डाल दे रही हूँ।
ये डाल दे। थोड़ा लाल मिर्ची भी डाल दी एक चम्मच आपको दिखा के। एक चम्मच लाल मिर्ची डाल रही मैं कलर के लिए। बस हरी मिर्ची भी डाली ना इसलिए एक चम्मच डाली मैं। थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ, एक गिलास उतना डाल रही पानी, छोटी गिलास ये आधी गिलास मंगा ली थी मैं। बस इसको 10-12 सीटी देना इसको, पटा लेना 12 सीटी लगा दे रही मैं गैस को। मैं गैस ऑन कर ली, मैं इसमें मटन चढ़ा दे रही हूँ। ये चूल्हे पे मटन, ये बड़े कुकर में मटन है, फिर ये कुकर में रवा है, इसमें रवा रख दी मैं, और एक कुकर में मैं इसमें रवा है, इसमें मटन, इसमें दाला है तीनों दाला, चावल और बासमती गला दी और गलेगा दिखाती मैं आप लोगों को। देखिए इसमें दाला है, दाला चावल सब है, ये 5-7 सीटी दे दी मैं इसको, तब उसकी गैस खाली कर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये निकालती हूँ, फिर इसमें है रवा, रवे के भी 7-8 सीटियाँ हो गए, मैं इसको इसको निकाल ली थी मैं सीटी खाली करके। अब इसको दिखाती हूँ इसको क्या करना है मालूम, देखिए इसको अच्छे से थोड़ा मैं ग्राइंड कर दूँगा, क्योंकि तो मैं रोजे में हूँ, मेरे पास जेंट्स कोई भी नहीं है इसको घोटने वाले, और रेशेदार बनती है हरी, अच्छी बनती है हरी, ग्राइंड करते हुए अच्छी बनती। इसमें दाल है, दाल को भी ग्राइंड करती हूँ, रवे को भी ग्राइंड करती हूँ। उधर मटन है वो चूल्हे पे बाजू के, उसको सीटियाँ हो रही, अभी 5 सीटियाँ हुई, अभी 12 सीटी होना है, टोटल 12 5 हो गया टाइम है, जब तक मैं इसको ज़्यादा ठंडा करके मैं ग्राइंड करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए दिखाती हूँ, ये पूरे दाला गली थी ना मैं उसको घोट ली है साहब, फिर ये रवा भी है, ये रवा दाला मिला के मिक्स कर ली घोट के। अब ये है मटन, ये मटन को भी घोट ली मैं अच्छा घोट से, अब इसमें मिला के फिर इसे थोड़ा घोटना है, मिला दे रही इसे मिक्स कर दे। काजू है, ये काजू है थोड़ा ब्राउन कर ली गोल्डन, ये प्याज है लिक्विड पे डाल देते कोथमीर पुदीना, ये इसको तो अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए काली मिर्ची का पाउडर डाल रही मैं, ये पिसावा पहले साबित डाली थी ना, अब दम पे डाल दे रही हूँ, 3 चम्मच डाली बस। चलिए अब इसको दम पे रखती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए ये हरी पकड़ी हमारी, मैं चूल्हे पे रख दी, अब मैं इसमें कोरमा डाल दे रही हूँ, कोरमा डाल रही मैं, अब इसको दम पे रखना है। चलिए कोरमा तो डाल दी, ये जो मटन का स्टाइक है ये, इसको कोरमा निकाल ली ऊपर का। चलिए अभी दम पे प्याज डाल दे रही हूँ, प्याज तले भी, अब ये डालना है हरा मसाला, हरा धनिया, ये काजू, ये तल के रखिए मैं ब्राउन करके। देखिए सब डाल दिए, देखिए हमारी रेसिपी पसंद आई तो आप लोग अभी ट्राई करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अपने दोस्तों में शेयर करिए।